हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डील करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा डील किया था। किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें लिंक देखा जाता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है इनका। प्राइमरली ये एक्वाटिक होंगे। इनका रिप्रोडक्शन अगर देखें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फ्यूजन जो होगा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनोइड्स, ये तीनों शो करेंगे जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होंगे। और स्पोर फॉर्मेशन स्लाइम मॉल्ड्स में देखा जाएगा जो कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंस होंगे और ये डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोटोजोन अगर देखें तो प्रीडेटर एंड पैरासिटिक। अब लिंक इसमें देखते हैं किस चीज़ का लिंक होता है। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये यूग्लिना होता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये शो करता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब दो न्यूट्रिशन शो करेगा, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स शो करेंगे और हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स शो करेंगे। अब किंगडम प्रोटिस्टा को पांच भाग में बांटा गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्ड्स और प्रोटोजोन्स। अब फर्स्ट देखते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में दो चीज आएंगे, डेस्मिट्स और डायटम्स। डेस्मिट्स जो होंगे वो गोल्डन एल्गा होंगे। गोल्डन एल्गा को डेस्मिट्स बोला जाता है। और डायटम्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कट्स इंटू टू, दो भाग में ये बढ़ सकते हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर। वाटर सरफेस पे इनका पैसिव फ्लो होता है जो कि प्लैंकटन करवाता है। पैसिव फ्लो ध्यान रखना है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस डायटम्स होते हैं। सेल वाला अगर देखें तो टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स का बना होता है जो कि सोप बॉक्स की तरह होता है। अगर ऊपर का लेयर देखें तो ईपीथी का और नीचे का लेयर देखें तो हाइपोथी का। नीचे के लेयर में सिलिका का डिपोजिशन होता है और सिलिका जो होता है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। अब यही जो एक्यूमुलेट होगा तो फॉर्म करेगा डायटोमेसियस अर्थ जो कि यूज होता है स्टोन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, साउंड एब्जॉर्बर के तौर पे। सेकेंड डिवीजन देखें तो डायनोफ्लैजिलेट्स, जैसा कि नाम से ही पता चला है, डाई मतलब दो, इसमें दो फ्लैजिला होंगे, एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली जो कि अनइक्वल होगा। मेराइन वाटर में होंगे ये, मोस्टली मेराइन होंगे। कलरफुल होंगे, ग्रीन, येलो और रेड कलर का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है गोनाई ओलैक्स जो कि रेड टाइड कॉज करेगा। सी सरफेस पे ये इंक्रीज करेगा तो वाटर ब्लूम कॉज करता है। अब यही टॉक्सिन रिलीज करता है तो फिश का डेथ भी हो जाता है। सेल वाला अगर देखे डायनोफ्लैजिलेट्स का तो सेलुलोज का बना होता है जो कि प्लेटेड फॉर्म में होगा। ये बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी शो करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब नाइट लाइट, गुनाह अलग शो करेंगे। थर्ड देखें यूग्लिनोइड्स, फाउंड इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर। फ्रेश वाटर में भी देखा जाएगा और स्टैग्नेंट वाटर में, तो ठहरा हुआ पानी में भी देखा जाएगा। पिगमेंट्स एज सेम एज हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के जैसा है इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। सेलवाल एब्सेंट होंगे इसमें, लेकिन पेलिकल प्रेजेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना है, पेलिकल प्रेजेंट होगा लेकिन सेलवाल एब्सेंट होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन में। दो टाइप का फ्लैजिला होगा इसमें, शॉर्ट और लॉन्ग। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने देखा था ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली, और यूग्लिनोइड्स में शॉर्ट और लॉन्ग दो टाइप का होगा फ्लैजिला इसमें भी। न्यूट्रिशन अगर देखें तो ऑटोट्रॉफिक भी शो करेंगे और हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये होलोफाइटिक होंगे और लाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉफिक, ये होलोजोइक होंगे। फोर्थ है स्लाइम मॉल्ड्स, इसको फॉल्स फंजाई बोला जाता है। डिपेंड ऑन डिके मटेरियल, डिके मटेरियल पे ये डिपेंड करेंगे। सेप्रोफिटिक होंगे ये डिकम्पोजर्स, स्लाइम लेयर का सिक्रीशन करेंगे। अब इसमें दो कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स होंगे, ये स्पोरेंजिया हुआ, ये स्पोरेंजिया को फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। स्पोर्ट्स पोजेसेस ट्रू वॉल, ट्रू वॉल इसमें प्रेजेंट होंगे स्पोर्ट्स में जो कि एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होंगे। अब यही डिस्पर्स होंगे वाटर एयर करंट के द्वारा और आगे जाके फेवरेबल कंडीशन में आएगा और स्लाइम लेयर का सिक्रीशन करेगा, ये स्पोर हुआ। अब यही प्लाज्मोडियम जाके ग्रो करेगा और स्प्रेड होगा। यहाँ पे डिस्पर्जल याद रखना, डिस्पर्जल होगा वो एयर करंट के द्वारा होगा, वाटर करंट से नहीं, एयर करंट से होगा। अब लास्ट देखते हैं प्रोटोजोन, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होंगे ये। फर्स्ट अगर देखें तो ऑर्थ्रोपोड, सेकंड होते हैं मोलस्क, थर्ड होते हैं प्रोटोजोन्स। हायर क्लासेस में इसको एनिमल किंगडम के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो ये जो होंगे हेटरोट्रॉप्स होंगे, प्रीडेटर एंड पैरासिटिक दोनों होंगे इसमें। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल होंगे ये, एक्वेटिक होंगे ये, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में देखा जाएगा। अब इसमें इसको चार भाग में बांटा गया है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड का अगर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन देखें तो स्यूडोपोडिया होता है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लैजिलेटेड का देखें तो फ्लैजिला, सिलेटेड का सिलिया और स्पोरोजोन्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन के लिए। एमीबॉइड प्रोटोजोन अगर देखें तो फाउंड इन फ्रेश, मेराइन एंड सॉइल तीनों में देखा जाएगा। सिलिका का फॉर्मेशन मेराइन वाटर में होता है। फूड वाइज
स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीड होता है, फूड जो लेते हैं वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से लेते हैं, और स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो फॉल्स फीड होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए तो इंटामीबिया हिस्टोलिटिका। सेकेंड है फ्लैजिलेटेड, फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक अगर हैं तो ये डिजीज कॉज करेंगे, जैसे कि ट्रिपोनोसोमा जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। थर्ड है सिलिएटेड, फूड थ्रू गलेट, गलेट से फूड लेंगे अपना। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का केस इसमें देखा जाता है, क्योंकि तो बाइफ न्यूक्लिएटेड होंगे, एक मैक्रो और वन दूसरा माइक्रो। मैक्रो जो होंगे यूज टू ईट, मतलब खाने में मदद करेंगे, ट्रॉफिक्स में होंगे ये, और माइक्रो जो होगा वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। लास्ट है स्पोरोजोन्स जो कि स्पोर फॉर्म्स करेंगे, ये पैरासिटिक और पैथोजेनिक होंगे। इसका एग्जाम्पल देखें तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि कॉज करेगा मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम जो होगा वो दो तरह का होगा, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम जो होगा फॉर्मेशन इन स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन करेगा वो, जो कि सैप्रोफिटिक होगा। और प्लाज्मोडियम यूनिन्यूक्लिएटेड जो होगा वो फॉर्मेशन इन स्पोरोजोआ में फॉर्मेशन करेगा, जो कि पैरासिटिक होगा। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक था किंगडम प्रोटिस्टा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।